गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नवरात्रि के अवसर पर चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सोमवार को लखनऊ हुए रवाना। बच्चा बैंड के मालिक व रेल कर्मी की पीट कर भाइयों ने की हत्या। दोनों भाई फरार। पैतृक जमीन आवास के बंटवारे के विवाद में की हत्या। दो भाइयों पर हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बेसिक शिक्षा विभाग में 26, 27 व 28 को नव नियुक्त शिक्षकों की होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की शिक्षा विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। का काउंसलिंग प्रक्रिया में बरतें पूरी पारदर्शिता। रोस्टर के अनुसार आवंटित करें विद्यालय। तीन लुटेरों को बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। इनके पास से लूट का एक डिजिटल वीडियो कैमरा और 1500 नगद रुपए हुए बरामद। भेजा जेल। कोरोना काल में ही भव्य रूप से हुआ राघव शक्ति मिलन। भगवान श्री राम ने उतारी मां जगदम्बा की आरती। अद्भुत दृश्य देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। जय श्री राम और जगदम्बे के जय घोष से गूंजा वातावरण। पुलिस स्मृति साप्ताहिक समारोह के तहत रेलवे सुरक्षा बल की महिला विंग ने किया रन फॉर यूनिटी। कराया ताकत का एहसास। लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। बेलीपुर थाना परिसर में एसपी साउथ के नव निर्मित कार्यालय का एसएसपी ने किया उद्घाटन। कहा दक्षिणांचल में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान में होगा सहायक। सिंदूर खेला का कार्यक्रम दुर्गाबाड़ी दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में हुआ आयोजित। मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के पहले बंगाली समाज की महिलाओं ने अर्पित किया सिंदूर। सुहागिन रहने की मांगी मन्नत। सरकारी बंदी के दौरान अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से 8 पीएम के 78 पाउच व आईबी के 55 शीशी कुल लगभग 25 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामद। भेजा जेल। नगर विधायक समेत 58 नए मिले कोरोना संक्रमित। दो की हुई मौत। जिले में हुई 18,678 कोरोना संक्रमितों की संख्या। 306 की हो चुकी है मौत। 1,006 हुए एक्टिव मरीज। राजघाट स्थित बनाए गए पोखरों में भक्तों द्वारा धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को किया गया विसर्जित। इस दौरान लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया पालन। दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के चलते 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 27 अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन तक महानगर की यातायात व्यवस्था है डाइवर्ट। एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने दी जानकारी। ग्रामीण क्षेत्र के बांसगांव और गोला सर्किट क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को धूमधाम से किया जा रहा है विसर्जित। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए निकाली गई स्वच्छता रथ को बीएसए ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जाएगा जागरूक।